फटता है तो किसका घर बर्बाद होता है, गोली चलती है तो किसका खून बहता है। आसाम, पंजाब, गुजरात, ये जंग हमारी सरहदों पे नहीं लड़ी जा रही, ये जंग हमारे घरों के दरवाजों पे लड़ी जा रही। ऐसी हालत में सरकार करे भी तो क्या, मारे तो किसे। जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार विदेशी आतंकवादी हैं सर। मैं जानता हूं कोई भी भारत माँ का सपूत ऐसी गद्दारी नहीं करेगा। हम जानते हैं देश की प्रगति को रोकने के लिए आतंकवादी एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट प्लान क्या है, अगला हमला कहां कब होगा, उनका गढ़ कहां है, कौन सी विदेशी ताकत का हाथ उनके पीछे, ये सवाल मेरा नहीं हमारे प्रधानमंत्री का। हमारा एजेंट आतंकवादियों के एक आदमी को तोड़ने में कामयाब हो चुका है सर। बैंक के एक बेनाम लॉकर में 50 लाख रुपया नगद जमा कर दिया गया है। इस रकम को देकर हमारा एजेंट आतंकवादियों की सारी जानकारी हासिल कर लेगा। बस आप 24 घंटे और रुक जाइए सर, ओनली 24 आवर्स। आदमियों को ट्रेन करने में बहुत मदद दे सकता है। नाइस मीटिंग यू। तो ये फॉरेन एड है भाई, अगर इस सुनसान जंगल में रहने के लिए ये तैयार है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई इतराज़ नहीं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। लेकिन ये बताओ काम कैसे चल रहा है, तुम खुद चलकर देख लो। ओके कम ऑन। पहले कैंप तो देख लो, मास्टर प्लान बाद में देख लेना, हम तो रेडी पड़ा। गुड मॉर्निंग सर। जैम हॉट इन इंडिया। बाबू आधे घंटे में तैयार है ना, इन्हें वापस जाना। यस सर। आओ कम ऑन। हर आदमी एक्सपर्ट हो चुका है, जब तक ट्रेनिंग खत्म होगी वो उड़ती हुई चिड़िया की आंख का निशाना लगाने में कामयाब हो जाएगा। Yeah, fantastic, yeah. अब तो आपको यकीन हो गया कि आपकी सरकार जो हमें पैसा भेज रही है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो रहा है। मुझे तब यकीन आएगा जब ये धमाके हिंदुस्तान के शहरों में होंगे और ये शोले हिंदुस्तान के घर घर में दिखाई देंगे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब चलो तुम्हें प्लान बताता हूं। श्योर श्योर। ये है ऑपरेशन सर्वनाश। उस दिन शुरू होगा जब इस मुल्क के लिए आजादी का दिन होता है, 15 अगस्त, आज से ठीक 3 महीने के बाद। उस दिन यहाँ से हमारे 2400 आदमी जाएंगे, हर स्टेट के लिए 100 आदमी, जो इस मुल्क के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, डैम्स, ऑयल इंस्टॉलेशंस, बिजली के ट्रांसमिटर टावर्स वगैरह वगैरह सबको एक साथ उड़ाएंगे, एक साथ धमाका करेंगे। उस वक्त जब रेडियो पर नारे बुलंद हो रहे होंगे, जय हिंद जय हिंद।
जय जय हिंद। वेरी गुड प्रताप, वेरी गुड। एक ही टाइम में सारा मुल्क खत्म। लेकिन ये राजीव गांधी जब से इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तब से यहाँ कुछ जरूरत से ज्यादा प्रोग्रेस होने लग गया है। लेकिन हमारा ऑपरेशन सर्वनाश इस मुल्क को 20 साल पीछे कर देगा, और फिर से इस मुल्क को हमारी मदद की जरूरत होगी, और फिर से ये मुल्क भिखारियों का मुल्क बन जाएगा। लेकिन प्रताप, व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? हमारी इंफॉर्मेशन सोर्सेस से पता चल गया है कि यहाँ के कमिश्नर ने चीफ मिनिस्टर से वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर इस कैंप का पता चल जाएगा। सैम, जस्ट लिसन। तुम सिर्फ अपना काम करते रहो और मुझे माल भेजते रहो, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। असम में सफलता मिली, पंजाब में सफलता मिली, और गुजरात में भी, बाकी भी सब काम हो जाएगा। ठीक है प्रताप, लेकिन याद रखना, अगर तुम पकड़े गए तो यहाँ की सरकार से पहले हमारी सरकार तुमको खत्म कर देगी। देखो सैम, पिछले एक साल से यहाँ से एक आदमी भी बाहर नहीं गया, और फिर इस कैंप के बारे में सिवाय मेरे और मेरे पायलट बाबू के अलावा और कोई तीसरा आदमी जानता है तो वो तुम हो। फिर भी हमको होशियार रहना चाहिए। सर, मैं आपके लिए सिगार्स लाया हूँ। मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? जस्ट टू फ्रेश। जल्दी करो, बस गया और आया। ओके ओके सैम, हैप्पी जर्नी। डोंट वरी अबाउट द मनी, यू गेट एज़ मच एज़ यू वांट। थैंक यू सर, बाय सर। चलो जल्दी जल्दी। कब है? Tiger 2, Tiger 2, hello. Hello, receiving Tiger 2, hello. Hello, Mac. वो बाबू हरामजादा गद्दार निकला है। उसने हमारे सारे प्लान का वीडियो फिल्म बना लिया है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे, उससे वीडियो फिल्म हासिल करो और फिर उसे खत्म कर डालो। Kill that bastard. Okay. मैं बाबू बोल रहा हूँ जफर साहब। सफर साहब, मेरे पास एक ऐसा कैसेट है जिससे आप अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रताप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अविनाश उसके 5 लाख दे रहा है, पुलिस कमिश्नर 10 देगा, आप कितने दे सकते? 8 लाख। नहीं नहीं जफर साहब, 10 लाख रुपए में सौदा मंजूर हो तो मुझे सौदा मंजूर है, नहीं तो। जफर साहब, प्रताप के आदमी आ गए हैं, मैं आपको अविनाश के क्लब में मिलता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक नया गीत सुनाऊंगा, एक ऐसा गीत जो आज के दिन के लिए बनाया गया है, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन, मेरे भाई का जन्मदिन। मेरी
फूल से खिले तेरी मेरी जिंदगी, तेरी जो खुशी मेरी वो ही खुशी, फूल से खिले तेरी मेरी जिंदगी है अपने लिए ये सारा जहां, है अपने लिए ये सारा जहां। जिले आह जिले 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 अपने लिए ये सारा जहां, है अपने लिए ये सारा जहां। जिले आह जिले 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 खुशी मेरी वो ही खुशी, खुल से खिल तेरी मेरी जिंदगी है अपने लिए ये सारा जहां, है अपने लिए ये सारा जहां। जिले आह जिले 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 अपने लिए ये सारा जहां, है अपने लिए ये सारा जहां। जिले आह जिले 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 तेरी जो खुशी मेरी वो ही खुशी, फूल से खिली तेरी मेरी जिंदगी है अपने लिए ये सारा जहां, है अपने लिए ये सारा जहां। जिले आह जिले 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 बाबू समय क्या है, निकल यहाँ से जल्दी का। वो फिल्म इसके पास नहीं है अविनाश। पर वो कैसेट है कहाँ? God damn it! प्रताप, वो कैसेट हमारे लिए फांसी का फंदा है। कल सवेरे तक अगर नहीं मिली तो यू आर ऑल डेड, सब खत्म। मरते मरते वो अविनाश से कुछ कह रहा था। अविनाश, वो जो चोरी का माल खरीदता और बेचता है और दिखावे के लिए होटलों में गाने गाता। हाँ वही। तो फिर मेरे मुंह क्या कह रहे हो? फॉलो मी। अरे बेटी आओ। नमस्ते माँ जी, जीती रहो। माँ जी सुमित और अभी नहीं आए? अरे तुम उनके साथ होटल नहीं गई? क्या करूं माँ जी, मैं डॉक्टर इसलिए बनी थी कि सब लोगों का काम कर सकूं। मुझे क्या मालूम था कि अपने ही काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए तो अभी को तेरी डॉक्टरी पसंद नहीं। माँ जी हम सब चीजें तैयार करके रख देते हैं,
और फिर लाइट ऑफ कर देंगे। जब वो दोनों आएंगे तो समझेंगे कोई घर में नहीं है। अचानक हम लाइट ऑन कर देंगे, बड़ा मजा आएगा। जो भी करना है जल्दी जल्दी कर, बस वो लोग आते ही होंगे। मैंने तो सुमित को जाने से बहुत रोका, पर वो तो अपने भाई के बगैर एक मिनट भी नहीं रहता। कितना प्यार है दोनों भाइयों में। माँ जी, लगता है वो लोग आ गए, चलिए छुप जाते हैं। मैं लाइट बंद कर देती हूँ। बर्थडे पार्टी है। गुड 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 गुड। किसका बर्थडे? तोले आप लोग दोस्त हैं। अविनाश के जानी दोस्त। अभी तक वो घर नहीं आया? हम रास्ता देखेंगे और हम वही करेंगे जो तुम करने वाली थी। लाइट्स बंद और तमाशा शुरू। तुम सरप्राइज देना चाहती थी ना, लेकिन हमारी सरप्राइज तुम्हारी सरप्राइज से कहीं बढ़ के है। अच्छा था कि नहीं? हेलो अविनाश, भाई का बर्थडे मुबारक हो। कौन है तुम? वो फिल्म कहाँ है अविनाश? कौन सी फिल्म? तो तुम फिल्म नहीं दोगे हैं? गुड गुड। और हम फिल्म लिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। फिल्म कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? भैया मुझे बचा लो, मुझे बताओ फिल्म कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कायम रख, बताओ फिल्म कहाँ है? नहीं मालूम। खत्म कर दो इसे। भैया उसे छोड़ दो, मुझे नहीं मालूम। आखिरी बार पूछता हूँ, फिल्म कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। खत्म कर दो इस बूढ़ी को भी। इसे गाड़ी में ले चलो और इस मकान को आग लगा दो। ऐसा नहीं मानेगा। कादर, बोझ रोको। पर वो फिल्म कहाँ है? पर मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? हो सकता है इसे सचमुच कुछ मालूम ना हो। हो सकता है। अविनाश, तेरा सर्वनाश। Oh!
टाइगर। ज्यादा इसी काबिल था कि कुत्ते की मौत मार दिया जाए। अब हमें कोई खतरा नहीं है। अविनाश मर चुका है। अविनाश मर चुका है। क्या अविनाश मर गया? कैसे? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। होश आ गया। पिछले 5 दिनों से बहुत परेशान कर दिया। कभी कभी तो ऐसे लगता था बस गया। भगवान ने बचा दिया। अब कैसे फील होता है? क्या बात है, तुमसे बोला नहीं जाता? बोलो, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें गोली किसने मारी? क्यों मारी गोली? तुम्हारा कोई है जिसे मैं इन्फॉर्म कर सकूं? तुम बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं कौन हूं? मुझे कुछ ओह माय गॉड, लगता है इसकी याददाश्त जा चुकी है। ये लो मिस्टर एक्स, तुम्हारी चाय। क्या करूं, तुम्हारा नाम नहीं जानता। एक बात पूछूं? पूछो। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं। मुझे डॉक्टर मत कहो, मैं तो एक घटिया शराबी आदमी हूं जिसे कुछ नहीं आता। वो डॉक्टर आनंद जो लंदन के रॉयल कॉलेज सर्जरी की डिग्री लेकर लौटा था, उसी दिन मर गया जिस दिन उसने अपने पत्नी का ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन टेबल पर ही खत्म हो गई। उसके बाद डॉक्टर आनंद FRCS कैसे जिंदा रह सकता था? वो भी मर गया। I'm sorry. अपना जो होना था सो हो गया, तुम्हारा क्या होगा? हाँ, एक काम हो सकता है। मेरा एक दोस्त अखबार में काम करता है, तुम्हारी खबर छपवा देता हूं, शायद कोई पहचान वाला आ जाए। Kill him! इससे पहले कि सैम यहां पहुंचे, मुझे अविनाश की लाश चाहिए।
करके। आया अविनाश भाई, बड़ी अच्छी जगह ढूंढ निकाली तुमने छुपने के लिए, लेकिन बुरा हो कमबख्त उन अखबार वालों का जिन्होंने तुम्हारी खबर छाप डाली। और हम तुम्हें लेने को आ गया। कहाँ जाना है? प्रताप के पास, बहुत बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। उसके बाद मैं तुझसे मिलूंगा और इसका बदला लूंगा। चलो, ये लोग दोस्त नहीं हो सकते। चलो बताओ प्रताप कौन है? तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे क्यों पूछते हो? तू बता प्रताप कौन है? हम सब का बॉस। कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। कहाँ मिलेगा? रेड फायर क्लब। कौन लोग थे वो और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? पता नहीं, किसी प्रताप के आदमी थे जो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता। अब तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। जो भाग कर गए हैं वो औरों को लेकर यहाँ आएंगे। तुम अकेले हो, बच नहीं सकोगे। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। लेकिन तुम भाग कर जाओगे कहाँ? अब एक ही रास्ता बचा है। वो क्या? मैं उस तक पहुंच जाऊं। रेड फायर। बोला मैं। सर, हम अविनाश को पकड़ नहीं पाए। क्या? लेकिन एक अच्छी खबर है, वो खुद रेड फायर तक पहुंच रहा है। मौत के मुंह में आने दो। पुलिस या कोई और तो नहीं वहां पहुंचा? पुलिस हमेशा लेट आती। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप उसी आदमी को ढूंढने आए हैं जिसे मैंने बचाया था? समझदार को इशारा काफी। जी हाँ, कहाँ है वो? कुछ गुंडे उसे मारने आए थे, मैंने उसे भगा दिया। भगा दिया? हाँ। अब लेकिन कुछ तो बताकर गया होगा। डॉक्टर साहब, मैं उसका दोस्त हूँ। हाँ, वो रेड फायर क्लब जाने के लिए कह रहा था। माय गॉड, रेड फायर क्लब? प्रताप, डेंजर।
अविनाश आओ। ले चलो इसे। आओ अविनाश आओ। तो ये है प्रताप। चेक इन। He's clean. अखबारों में तस्वीर देकर हमें बुलाने की तरकीब अच्छी थी, हमें पसंद आई वो तरकीब। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्यों? वो जगह भूल गए जहां उस हरामजादे बाबू ने तस्वीरें खींची थी? ऐसी जगह को भूल जाना ही अच्छा है ना? इसका मतलब है कि तुम वो टेप देख चुके हो और कहते हो वो फिल्म मेरे पास नहीं है। कहाँ है वो टेप? ये किस टेप की बात कर? मैं पूछता हूँ कहाँ है वो टेप? कौन सा टेप? God damn it! पागल हो गए यू बास्टर्ड? भूल गए कि मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे खानदान के साथ कैसा सब क्या किया था इसने मेरे साथ, मेरे खानदान के साथ? मानता हूँ कि ये बाजी तुम्हारे हाथ है और मैं तुम्हें तब तक नहीं मार सकता जब तक वो फिल्म मेरे हाथ नहीं लग जाती। लेकिन जब आप भूलो कि इस वक्त तुम मेरे कब्जे में हो, मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। तुम यानी कि ये तुम ही हो ना? घाव तो भर गया है। बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गए। ये उम्र तो हसीनों के पास जाने की होती है, दिल लगाने की होती है, कहानियां बनाने की और कहानियां सुनाने की होती है। आजकल कौन सी नई चिड़िया को उड़ा रहे हो हाँ? अरे भैया अपनी लेटेस्ट प्रेम कहानी सुना दो फटाफट। प्रेम कहानी तुम्हें सुनाओ। मुझसे ज्यादा जरूरतमंद और कौन होगा भैया? खुदा गारत करे इस बुढ़ापे को, अब तो किससे कहानियों पर ही गुजर बसर होती है। बहुत थके थके लग रहे हो, बैठो ना। धंधा पानी कैसा चल रहा है? लो इतना अच्छा चांस आया था मगर तुम आए ही नहीं। क्या माल था, देखो तो आंखों में रोशनी आ जाए। हीरे पन्ने पुखराज और एक ताज भी था। क्या मैं चोर हूं? ताज हीरे केरला के एक मंदिर से उड़ाया गया था, वो भी भूल गए?
छोकरियों के नाम तो बराबर याद रहते हैं तुम्हें। सब कुछ भूल चुका हूं मगर तुम्हें कैसे बताऊं। याद तो था मगर एकदम से जाना पड़ा। वो तो मैं समझ गया था भैये, ये बाल इसी धंधे में सफेद किए। इतना तो जानता हूँ कि कभी कभी गायब होना पड़ता है, लेकिन तुम अपना डब्बा ही लेने नहीं आए। डब्बा? खुदा कसम कुमारी लौंडिया की तरह संभाल कर रखा है। नजर भर के भी देखा हो तो जो चोर की सजा वो हमारी। लो खोल कर इत्मीनान कर लो। लगता है भैये तेरी खोपड़ी कुछ सटक गई है, बिना चाबी के ही खोल रहा। चाबी? खुदा कसम भाई गले में ही तो पड़ी है, निकालो उसे। ओफो, न जाने क्या हो गया है तुझे। अरे भाई जब दिया था तो खोलना बताया था ना, अब निकाल उसे। लूट का माल यारों से उड़ान भर रहे हो भाई। आज तक तुमने जो कुछ उड़ाया वो आदम भाई नहीं तो बेटा। इसका मतलब है मैं चोरी था। खैर छोड़ यार ये बातें, ये बता कोई नया पटाखा फसाया कि नहीं। पुलिस पुलिस जल्दी से निकल जा। अरे उधर कहाँ जा रहा है, पिछले दरवाजे से निकल जा। अविनाश होशियारी से जा, प्रताप के आदमी तेरी तलाश में। मगर क्यों? हाँ अब जाना। यस डॉक्टर सपना। जी हाँ। मैं कमिश्नर भगत हूँ, मैं आई कम इन। आइए। अविनाश की मंगेतर आप ही हैं क्या? जी हाँ। लेकिन क्या उसने आपको कांटेक्ट किया है? कांटेक्ट? क्या मतलब? वो यहाँ आया था। क्या क्या अविनाश जिंदा है? अविनाश जिंदा है? बताइए अविनाश जिंदा है? जी हाँ। भगवान भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख। अविनाश के पास हमारे देश का एक बहुत बड़ा राज है, We must find him. लेकिन वो अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या वो सचमुच आपसे नहीं मिला? क्या मतलब? हमारी गवर्नमेंट का बहुत सारा रुपया भी उसके पास है। ये हीरे की अंगूठी आपको अविनाश ने दी है। आपके कहने का मतलब है अविनाश चोर है? How dare you? चले जाइए आप यहाँ से, जाइए प्लीज। ओके।
एक्सक्यूज मी, लॉकर नंबर 302। आइए सर, ये इस होटल का बेहतरीन कमरा है। इसमें स्पेशल बेड बनवाया गया है। ऐसे स्प्रिंग लगे कि जरा सा भी झटका लगे तो आप 2 मिनट तक झूलते रहेंगे। आप लोग कुछ पियेंगे सर? ब्रांडी, विस्की, कोक? जाओ। ओके सर। ओके मैडम। बहुत खून निकल रहा है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, डॉक्टर इस जख्म की वजह पूछेगा तो मैं पट्टी बांध देती हूँ। नहीं, भागना चाहती हो? नहीं सच, देखो मुझे साफ कर लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज लड़की का पता चल गया। मैं जानता हूं उसे, बाहर से आने वालों के हाथ मूर्तियां बेचती, बहुत छोटा धंधा उसका, इसलिए वो बड़े धंधे में आना चाहती है। उसका पता लगाओ और मालूम करो कि अविनाश अभी तक उसके साथ है।
टेलीफोन, टेलीफोन कहाँ है? सॉरी मैडम, टेलीफोन खराब है। प्लीज हमें पुलिस तक पहुंचा दीजिए, प्लीज हमें पुलिस तक पहुंचा। जरा सुनिए, हम सीआईडी वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो मैं और मैं मेरे दोस्त के पीछे गुंडे पड़ गए, वो जख्मी है। हाँ। वो ऊपर रूम है। भाग लिया आदमियों को बुलाओ। हाँ चलिए। सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। मैं इंस्पेक्टर साहब को साथ लाई हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पीछे कुछ गुंडे। चुप कर, बक बक किए जा रही है। आप पुलिस वालों को तमीज से बात करना नहीं आता? तमीज? लड़की को जाने दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। सॉरी अविनाश, ये बहुत कुछ देख चुकी है। इसने पुलिस में जाके अगर हमारी तस्वीरें पहचान ली तो हम कहाँ होंगे? तुम पुलिस वाले नहीं हो? नहीं डार्लिंग, हम तो वो है जिनसे जान बचा के भाग रहा था। ओह माय गॉड, ले उसे, छोड़ दो उसे। गवाह को जिंदा नहीं रखा जाता अविनाश। वैन में इंतजार करो मेरा। छोड़ दो मुझे, मैं इसका नाम नहीं जानती, इसकी शक्ल तक नहीं जानती। हाँ तो मेरी जान, वो फिल्म कहाँ है? कहाँ है वो फिल्म, बोलो। बैग, बैग में। चलो खोलो। पर हर बदमाश को खबर कर दो, हर कोने पर खड़े हर भिखारी को समझा दो, जो भी उस कुत्ते अविनाश को मारेगा प्रताप उसे 50,000 इनाम देगा। गुड मॉर्निंग, अब तबीयत कैसी है? तुम अभी तक गई नहीं, तुम्हें अकेला छोड़ के जा ना सकी। ये घर किसका है?
ये घर नहीं होटल है। इस होटल के मालिक को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। अभी तो मुझे अपने आप से डर लगने लगा है। तुम मेरी समझ में नहीं आए। तुम बुरे आदमी कभी नहीं हो सकते। तुम्हारे सिवा आज तक किसी ने मुझे अच्छा नहीं कहा। आदम भाई कहता है मैं चोर हूं, हीरे जवाहरात उड़ाकर आदम भाई जैसे आदमी के पास बेच डालना मेरा धंधा है, और तुम समझते हो कि मैं चोर नहीं। तो फिर मैं कौन हूं निशा? वो फिल्म कौन सी है, कहां है, जिसे सब हासिल करना चाहते हैं? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं निशा। ऐसा लगता है जैसे दिमाग के चारों तरफ काला पर्दा लगा दिया गया है। कभी कभी कोई रोशनी आती है, फिर चली जाती है, फिर वही खूब अंधेरा। मुझे कुछ नहीं मालूम निशा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मैं जानती हूं तुम क्या हो। एक अच्छा आदमी जो बुराई की जाल में फंस गया है। अविनाश दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कभी बुरा नहीं कहूंगी। नहीं निशा, तुम जो समझती हो, अगर मैं वो नहीं निकला तब क्या होगा? मैं ठीक हूं निशा, तुम चली जाओ। हाँ तुम चली जाओ निशा। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। जब जाना चाहती थी तो तुमने जाने नहीं दिया, अब मैं क्यों जाऊं? और अब मुझे एक काम भी तो करना है। क्या? जो तुम नहीं कर सकते। मैं पता लगाऊंगी कि तुम कौन हो, क्या हो, कि गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है। आदम भाई साला नकली, बिल्कुल नकली। खुशबू आइए आइए जहे नसीब, ये दुकान आप जैसे लोगों के लिए ही खोली है। कहिए क्या दिखाऊं? आप ही आदम भाई है ना? जी यही ना चीज है। आपके कानों तक हमारी शोहरत कैसे पहुंची? जी मेरे एक दोस्त अपना लॉकेट मेरे घर पर भूल आए थे। उन्होंने कहा था वो यहीं पर मिलेंगे। यहाँ आए हैं? आपके दोस्त भी यहाँ आने वाले हैं? जी हाँ, अविनाश ने कहा था कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अविनाश? वो अपना अविनाश? अच्छा अच्छा, तो आप उनकी दोस्त हैं। आइए आइए, क्या किस्मत है कंबख्त की। आप अविनाश को बहुत करीब से जानते हैं ना? जी हाँ, हर बात जानता हूँ, रग रग पहचानता हूँ। खुदा कसम दोस्त हो तो ऐसा, हर गम में शरीक, हर खुशी में हिस्सेदार। ये खुशबू कौन सी है? इंटीमेट। क्या बात है इस इंटीमेसी की? दरअसल मेरी और अविनाश की दोस्ती कुछ ही दिनों की है। मैं तो अविनाश के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अजी हम बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। क्या बात है इस इंटीमेसी की? आपको पसंद है ना? अविनाश के घर वालों को हमारे मिलने जुलने से कोई एतराज तो नहीं होगा ना? उसके घर वाले? क्या उसने आपको? एक मिनट। आदम भाई, तुम आज यहाँ कैसे आ गए भैये? अरे भाई इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कभी कभी पुराने साथियों की, पुराने रिश्तों की याद तो आ ही जाती है। आज हमें तुम्हारी याद आ गई। मोहब्बत है तुम्हारी, वरना हम कहाँ और तुम कहाँ। माल तो तुमने भी बहुत कमाया है आदम भाई। मगर धोखा कभी नहीं किया। कभी नहीं, कभी नहीं।
सिर्फ एक बार। एक बार कब? जब तूने हमारा माल उस बाजारू कमीने कुत्ते के हाथों बिकवाने की कोशिश की। कमीना? कुत्ता? कौन? अविनाश। अरे उसकी ना छोड़ो भैये। आखिर माल तो बेचना ही था ना भैये। हाँ बेचना ही था, लेकिन हमारे बारे में या हमारे धंधे के बारे में उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत थी आदम भाई? ये झूठ है। खुदा कसम भैये, ये जबान जल जाए अगर एक लफ्ज भी निकाला हो तो। चलो छोड़ो इस बात को, मगर ये तो तुम्हें कहा गया था ना कि जब अविनाश यहाँ आए तो उसकी खबर मुझे मिलनी चाहिए। हाँ हाँ। फिर जब वो यहाँ आया तो मुझे बताया क्यों नहीं आदम भाई? अविनाश यहाँ? अरे खुदा कसम भैये, मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। सुना है किसी ने उसे ठिकाने लगा दिया। नाटक मत करो, मेरे आदमियों ने उसे यहाँ आते देखा है। खुदा कसम मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे गद्दारी करके तूने अच्छा नहीं किया आदम भाई। इतनी पुरानी दोस्ती थी हमारी, इतनी पुरानी कि एक दोस्त को अलविदा कहने के लिए मुझे खुद आना पड़ा। इस शहर का हर एक गुंडा, हर एक बदमाश, हर खबरी जानता है कि अविनाश वापस पहुंच चुका है। इससे पहले कि उस तक कोई और पहुंच सके, अविनाश को यहां पहुंचना चाहिए। अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू? ये मेरा सोया प्यार जा la 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 अविनाश, तुम ये गाना कैसे जानते हो? मुझे ऐसा लगता है ये गाना पहले भी कहीं सुन चुका हूँ। तो गाते क्यों नहीं? शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। कोशिश करो, गाओ ना।
अविनाश, 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 क्या हुआ अविनाश? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? यहाँ हूं ना मैं तुम्हारे पास, सो जा, सो जा। तुमने मेरे साथ प्यार नहीं, धोखा? उन्हें मालूम हो चुका था कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसलिए उस गद्दारी की सजा दी गई। कौन है वो? किसने किया निशा? प्रताप? नहीं, सफर। मैं उसी के लिए काम करती थी, सफर और प्रताप। सफर देश के बहुत बड़े बदमाश हैं। सफर कौन है? और एक दूसरे के दुश्मन। उनसे होशियार रहना। कहाँ है वो लोग? तुम्हारा भाई। मेरा भाई? हॉस्पिटल। और वो लड़की। कौन है वो लड़की? निशा बोलो। वो निशा लड़की। बोलो निशा, कौन है वो लड़की? तुम्हारी तो कौन? निशा, ये आप कैसे लगी? My God, ये तो मर चुकी। अविनाश, तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आओ मेरे साथ। चलो यहां से। हौलदार तुम्हें ही ठहरो और अपने परिचय में ये लिखना कि यहाँ लाश के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जाओ। आओ। नहीं, मैं निशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पागल हो गया है? जानता है तेरा इरादा खतरे से खाली नहीं है। चल। हाँ, सोच क्या रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ राजन, तेरे बचपन का दोस्त। चल। अरे लेकिन तेरी याददाश्त गई कैसे? पता नहीं, ना जाने कैसे एक बहुत बड़े मुजरिम का कोई राज मुझ तक पहुंच गया है। वो मुझे जान से मार डालना चाहता है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जिंदा बच गया। लेकिन अपने आप से अजनबी हो गया हूं, सब भूल गया हूं दोस्त, सब भूल गया। दुखी मत हो मेरे यार, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे कॉलेज से लेकर इंस्पेक्टर बनने तक तूने मेरा साथ दिया और आज मैं तेरी मदद नहीं करूंगा? तुम क्या मदद करोगे? सबसे पहले तुझे ले जाकर उससे मिलवाऊंगा जिसको देखते ही तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। कौन है वो? तेरी बीवी अलका। देखो तो कौन है। तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? भगवान,
भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अभी तुम आ गए, अभी मैं जानती थी तुम आओगे, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, तुम वापस आ गए, अभी तुम वापस आ गए, मुझे पूरा पूरा यकीन था अभी, इसलिए इसलिए मैंने अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ी, अपना मंगलसूत्र नहीं उतारा। तुम कहाँ चले गए थे अभी, तुम अचानक कहाँ चले गए थे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? धीरे से काम लो अलका, अविनाश बीमार है, इसकी याददाश्त जा चुकी है, ये किसी को नहीं पहचानता। मुझे भी नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानती। हे भगवान, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया? अलका, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उसकी मदद करोगी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, समझदार को इशारा काफी। कमान, मेरा भाई कहाँ है? भाई? तुम्हें याद है? नहीं, निशा ने बताया था। निशा ने और क्या बताया था? कुछ नहीं। कहाँ है सुमित? उसे नर्सिंग होम में रखा है ताकि उसकी देखभाल अच्छी तरह से हो। जिन जालिमों ने तुम्हें मारा, उन्होंने सुमित को भी पैरालाइज कर दिया। मैं सुमित से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर, लेकिन इस वक्त विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। कल सुबह चलेंगे, मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा। सुमित, सुमित, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, तुम्हारा भैया जिंदा है, अविनाश जिंदा है, वो आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा, मेरी बात सच निकली। इस एक पल के लिए कितना तरसी हूं मैं, इसीलिए तो आज तक मैंने ये अंगूठी भी नहीं उतारी, उस वक्त भी नहीं जब लोगों ने कहा कि मेरा विनाश नहीं रहा। सुमित, सुमित, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बोलने लगोगे, चलने लगोगे, और अपने भैया के साथ आकर मुझे डोली में ले जाओगे, और वो भयानक सपना टूट जाएगा जो तुम्हारे बर्थडे के दिन शुरू हुआ था। भूल गए? हाँ डॉक्टर सपना, आइए, प्लीज कम इन। मैं हूं इंस्पेक्टर राजन, और इनको तो आप जानती हैं, अविनाश, और ये है अलका, समझदार को इशारा काफी, अविनाश की धर्मपत्नी। हेलो, अविनाश सुमित को घर ले जाने आया है, अस्पताल का कोई बिल विल हो तो समझदार को इशारा काफी। अविनाश,
जाएगा। वो लोग सुमित को ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर, अचानक आप भाग क्यों गए? एक मरीज जो जीना चाहता था अचानक मर गया। ओह आई एम सॉरी, मगर समझदार को इशारा काफी, यही तो लाइफ है। कोई मर गया, किसी को जिंदगी मिल गई। भाग्यवान होते हैं वो जिन्हें जिंदगी मिल जाती है। हम लोग सुमित को घर ले जा रहे हैं। शौक से ले जाइए, तेवर है आपका। ऑल द बेस्ट सुमित। समझा कोई दुश्मन था। तुम ठीक तो हो ना? न जाने क्यों मुझे तुमसे डर लगता है। मुझे तो अब अपने आप से डर लगने लगा है। कुछ भी याद नहीं, ना कोई नाम ना कोई चीज, सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। मैं क्या करूं अलका, मैं क्या करूं? कैसे इस काली चादर को उतार कर फेंक दूं जिसने मेरी यादों को, मेरी सारी जिंदगी को लपेट रखा है। आओ बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाती हूं जो तुमने कभी नहीं देखी। वो क्या है? एक मिनट, ये देखो हमारे हनीमून का एल्बम। ये हिल स्टेशन पर वो होटल है जहां हम ठहरे थे। और ये देखो तुम मुझे घोड़े पर बैठा रहे हो। ये झील याद है, मैं इसमें गिर गई थी और तुम कपड़े समेत अंदर कूद पड़े थे मुझे बचाने के लिए, याद आया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हमारी शादी कैसे हुई थी वो भी याद नहीं? नहीं। हमारी पहली मुलाकात? कुछ भी नहीं। याद करो। दिन था शायद छुट्टी का, तू था घोड़ा गाड़ी में, मैं थी पीली साड़ी में, देखी अच्छी छोटी तूने गाड़ी रोक ली। ये पहली मुलाकात है, आए जाने कैसी बात है। ये पहली मुलाकात है, आए जाने कैसी बात है। मुझको ऐसा लगता है, मेरा दिल ये कहता है, शादी की शुरुआत है।
सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सेंसरी एरिया में कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, लेकिन इसे सीधी सादी हिंदुस्तानी में क्या कहेंगे डॉक्टर? मतलब ये कि दवा इलाज से कुछ नहीं होगा, याददाश्त खुद ब खुद आएगी। पर कब आएगी डॉक्टर? समझदार को इशारा काफी, कोई ना कोई तरकीब तो होगी। इंतजार के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, सुना है कि इलेक्ट्रिक शॉक से तो पागल भी ठीक हो जाते हैं। ये आदमी पागल नहीं है, इसे अगर और इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो ये मर भी सकता है। तो मर जाने दीजिए। इस आदमी के पास एक बहुत कीमती सरकारी राज है डॉक्टर। अगर इसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, और इलाज में अगर मर भी गया तो। सॉरी इंस्पेक्टर, मेरे लिए गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया एक बेगुनाह की जान लेने की वजह नहीं बन सकता। एंड यू कैन गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। समझदार को इशारा काफी। नाली का कीड़ा मखमल की टिप्पिया में रहने के ख्वाब देख रहा है। वो समझता है अविनाश से हमारे राज हासिल करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बेवकूफ, ये नहीं जानता कि हम इस खेल के कितने पुराने खिलाड़ी हैं। राजन ने गलत आदमी को ललकारा है। सपना, एक बात कहूं सपना, बुरा मत मानना। मैं देख रही हूं कि
जब से अविनाश सुमित को लेकर गया है तुम रोती ही जा रही हो। तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता सपना। वो क्या अविनाश ही तो वो लड़का नहीं जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी? और उसने किसी और से शादी कर ली। बेचारा, याददाश्त तो खोई ही थी, तुम जैसी लड़की भी खो बैठा। क्या अविनाश अपनी याददाश्त क्या तुम नहीं जानती? नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उस पुलिस वाले की बातें सुनी थी, वो अविनाश से उसकी पत्नी के बारे में कुछ कह रहा था। तो क्या अविनाश को अपनी पत्नी भी याद नहीं थी? अगर होती तो वो इंस्पेक्टर से क्यों पूछता? तो फिर ये शादी हुई कब? गायब होने से एक दिन पहले तो वो मुझसे मिला था, हम लोग अपनी शादी के बारे में बात कर रहे थे, और फिर हो सकता है याददाश्त खोने के बाद इस लड़की से मिला हो। तब तो उसे सब कुछ याद होना चाहिए। आदमी पास भूल सकता है, प्रेजेंट नहीं। वो भले ही मुझे भूल गया हो, लेकिन अलका को कैसे भूल सकता है? हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है। इसका मतलब है अविनाश को किसी जाल में फंसाया गया है और वो बिल्कुल अकेला है। मुझे कुछ करना होगा। हेलो, आप यहाँ कैसे? मरीज डॉक्टर को भूल सकता है, लेकिन डॉक्टर मरीज का ध्यान ना रखे, ये कैसे हो सकता है? आपका मतलब सुमित कैसा है? सुमित बिल्कुल ठीक है। ये आप कैसे कह सकती हैं? कई बीमारियां दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। सुमित ठीक है डॉक्टर, मैं उसके हर बात का ख्याल रखती हूँ। वो तो रखना ही चाहिए, बड़ी भाभी माँ के बराबर जो होती है। लेकिन सुमित है कहाँ? मैं उसे जरा चेकअप कर लूँ तो? डॉक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। अलका, ऐसे भी तो कोई बात नहीं कि डॉक्टर चेकअप ना करें। आइए। इसे मुझे दीजिए। नहीं जी, मैं आइए। हाय दोस्त, हाउ आर यू? अस्पताल से घर आना कैसा लगा? वैसे खाने पीने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? अच्छा, जरा देखें तो, एक्सरसाइज वगैरह बराबर कर रहे हो ना? सचमुच लगता है आपने बहुत देखभाल की है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, आप मुझे जरा गर्म पानी ला देंगे? मुझे इंजेक्शन देना है। जी। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे डेटॉल भी चाहिए होगा, अगर आप अभी लेकर आए। सुमित, अविनाश खतरे में है, उसकी याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ याद नहीं है, मैं और तुम भी याद नहीं है। लगता है कुछ लोग उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठाना चाहते हैं, उसे फंसाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है ये अलका भी उनके साथ है। सुमित, मेरा यहाँ रुक जाना बहुत जरूरी है, अविनाश की जिंदगी का सवाल है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, फॉलो करोगे ना? ये लीजिए गर्म पानी और डेटॉल। थैंक यू। आप जरा इसका सर पकड़ लीजिए, शरीर तो हिलता नहीं लेकिन सर बहुत हिलाता है। सुमित, ये क्या हो रहा है तुम्हें? इंजेक्शन से डर रहा होगा, लेकिन डरने की क्या बात है? सुमित, तुम ठीक तो हो ना? सुमित, छोड़ दो मुझे, सुमित छोड़ दो मुझे। ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रही हैं आप? इसकी नर्व तो पहले से इतनी कमजोर है और आपने, ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने? क्या हुआ डॉक्टर, क्या हो गया इसे? इसे दौरा पड़ रहा है। दौरा? हाँ, बहुत ही खतरनाक दौरा है, इसमें सबसे पहले आंखें चढ़ जाती हैं। अरे इसकी तो आंखें चढ़ गई, उसके बाद मुंह में से खून निकलने लगता है। अरे भगवान, देखो मुझे खून भी निकलने लगा। भगवान ना करे इसे कुछ हो गया तो ये पुलिस केस हो जाएगा। पुलिस केस? और नहीं तो क्या, आपको इस तरह मारने की क्या जरूरत थी? भूल हो गई डॉक्टर, आप कुछ कीजिए ना। फोन कहाँ है? एम्बुलेंस चाहिए, मैं बुला देती हूँ। एम्बुलेंस नहीं, पुलिस। पुलिस? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? कमाल करती हैं आप, यहाँ जुल्म हो रहा है और आप कहती हैं पुलिस की क्या जरूरत है? ये बहस का वक्त नहीं है डॉक्टर, इसे कोई दवा दीजिए। दवा?
इसकी कोई दवा नहीं है, बस एक ही तरीका है कि हर वक्त एक डॉक्टर इसके पास रहे। हो सकता है तो चार दिन में दौरा खत्म हो जाए। अच्छा मैं चलती हूँ। डॉक्टर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक सुमित ठीक ना हो जाए आप यहाँ से मत जाइए। आप जो मांगेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, 10,000, 50,000, 60,000 जो चाहिए। क्या आप मुझे पैसे का लालची समझते हैं? मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। प्लीज प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कीजिए, हमारा नहीं, इस अपाहिज बच्चे के लिए। इमोशनल ब्लैकमेल, ठीक है, जो कुछ सुमित ने किया है उसे देखकर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मैं रुक जाऊंगी, आप लोग जरा बाहर जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। दरवाजा बंद कर दीजिए। बस बस बस, बहुत हो गया, वैसे मान गए गुरु। क्या वो कोई चूहा है जो खड्डे में घुस जाता है और फिर कभी नहीं मिलता है? हमारे आदमी उसे चारों तरफ से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश से काम नहीं चलेगा प्रताप, तुम झूठे हो। तुमने कहा था कि अविनाश मर चुका है, तो वो दोबारा कहां से पैदा हो गया? और वो अगर वापस आ सकता है तो वो फिल्म भी वापस आ सकती है, और फिर मुझको इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और उसका मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। उसका मतलब ये है सैम कि यू आर ए ब्लडी फूल। व्हाट डू यू मीन यू? शट अप यू बास्टर्ड एंड लिसन टू मी प्रॉपर्ली। उस वीडियो फिल्म पर हमारा सारा प्लान है, यहाँ हमारा कैंप है, मैं हूँ, तुम हो, और अगर वही रिपोर्ट तुम्हारी गवर्नमेंट तक पहुंची तो मेरे साथ साथ तुम भी, समझे? एंड नाउ कीप योर माउथ शट और चुपचाप मुझे पैसे भेजते रहो, और मुझे धमकाने की बजाय मेरी मदद करो। मुजफ्फर की भेजी हुई लड़की आग में जलकर खाक हो गई, लेकिन वो आग हमने नहीं लगाई, वो कौन हो सकता है? प्रताप, डॉक्टर सपना और अविनाश का छोटा भाई दोनों गायब हैं और उनका कोई पता नहीं। पता लग जाएगा, we'll find those bastards. तुम एक काम करो, तमाम हॉस्पिटल्स और केमिस्ट की दुकानों पर कड़ी नजर रखो, उन हरामजादों को अपने बाज भाई के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, समझे? क्या रिपोर्ट है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। समझदार को इशारा काफी, तुम्हें अंदाजा नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट पर गवर्नमेंट का कितना बड़ा प्रेशर है। वो फिल्म एक कीमती सरकारी राज है, अगर वो फिल्म न मिली तो एटम बम से भी बड़ा धमाका हो सकता है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, उसकी याददाश्त वापस लाओ, और अगर तुम फेल हो गई तो फिर हमें अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, और हमारी कोशिश से हो सकता है कि वो मर जाए, और अगर वो मर गया तो न जाने किस किस की मौत होगी। समझदार को इशारा काफी। और गुस्से में आकर महर्षि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसके ध्यान में तुम बैठी हो वही तुम्हें भूल जाएगा, और फिर वो, मैंने सारा घर ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठे हो। क्या बात? जानते हो कितने बजे हैं? 11। चलो ना, बहुत नींद आ रही है। सपना कहानी सुना रही है। तुम कोई बच्चे थोड़ी हो जिसे कहानियाँ सुनाई जाए, और फिर सुमित के लिए भी ज्यादा देर जागना ठीक नहीं है, है ना डॉक्टर? हाँ, तो फिर तुम भी सो जाओ, चले चलो बाबा। गुड नाइट। आओ मैं तुम्हारे सर में मालिश कर दूं। अभी तुम मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? ऐ तो अभी एक पति महीनों बाद अपनी पत्नी से मिले और उसके पास बैठने के बजाय आधी आधी रात तक कहानियां सुनता रहे तो पत्नी क्या सोचेगी? मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। ये क्या कर रही हो? जो हर पत्नी को करना चाहिए। हिम्मत मत हारो अभी, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें सब याद आ जाएगा। याद करो उन सुहानी शामों को जब तुम्हारे रोम रोम में प्यार बसा करता था। याद करो अभी। नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं याद आता। याद करो अभी, प्लीज याद करो, तुम्हारे लिए, मेरे लिए याद करने की कोशिश करो अभी। वो फिल्म कहाँ है अभी? हाँ, वो फिल्म जिसके लिए हम सबकी जान जा सकती है, कहाँ रखी है तुमने वो फिल्म? याद करो अभी कहाँ रखी है वो फिल्म? मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो अभी वो फिल्म, वो फोटोज, वो तस्वीरें, याद करो अभी। मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो अभी। मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आता।
मुझे कुछ याद नहीं आता। रुको मत, याद करो अभी, रुको मत अभी, याद करो प्लीज अभी। सर फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं अभी, याद करो प्लीज, याद करो वो फिल्म अभी, वो फिल्म याद। अलका पागल हो गई है तुम? अविनाश बीमार है, तुम इस तरह जोर डालोगी तो ये मर भी सकता है। शट अप सपना, तुम सुमित की डॉक्टर हो, इस घर की नहीं। लेकिन डॉक्टर तो हूँ, इस तरह गलत इलाज होता हुआ कैसे देख सकती हूँ? तू चली जाओ यहाँ से, यह अस्पताल नहीं मेरा घर है। तो ठीक है, मैं कल सुमित और अविनाश को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं सपना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, तुम यहीं रहो, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ प्लीज। जब तक वो डॉक्टर यहाँ है कुछ नहीं हो सकता, हर बात में अपनी टांग अड़ाती रहती है। अरे समझदार को इशारा काफी, उसे चलता करो यहाँ से। वो भी तो नहीं कर सकती, वो बदमाश सुमित सपना के जाते ही अपना नाटक शुरू कर देता है, मैं करूँ तो क्या करूँ? जल्दी करो अलका, तुम्हारे पति का केस ज्यादा दिनों तक दबा नहीं जा सकता। सब कुछ तो कर रही हूँ, मुझे एक बार दीपक से मिल लेने दो। लेकिन इतना जल्दी कैसे हो सकता है, किसी ने देख लिया तो? प्लीज। तो ठीक है, मैं जेलर को फोन कर दूंगा, कल सवेरे तुम चली जाना। लेकिन अलका, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इज्जत। मुझ पे भरोसा करो दीपक, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने प्यार को और अपने सुहाग को बचाने के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन अलका, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी ये कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी दीपक, और कोई रास्ता नहीं। सपना, पत्नी बनने का इतना ही शौक था तो बाजार में बैठ जाती, हर रात एक नया पति मिल जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो आज मैं तुझसे पूछूंगी बेशरम, बता अविनाश ने ऐसा क्या किया था जो तूने हमारी मोहब्बत को अपने मकारे की भेंट चढ़ा दिया? सपना मेरी बात तो सुनो। जरूर सुनूंगी, मगर अभी नहीं, अविनाश के सामने। वो भी तो सुने कि उसके नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाने वाली पतिव्रता देवी का एक और पति जेल में भी है। नहीं सपना प्लीज, मैं तुम्हारे आके हाथ जोड़ती हूँ, अविनाश से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी, मेरा सुहाग मुझसे छिन जाएगा। सपना, कौन सा सुहाग, अविनाश या दीपक? दीपक, दीपक ही मेरा पति है, मेरा अविनाश के साथ कोई संबंध नहीं। तो फिर तुमने ये नाटक क्यों किया? बताती हूँ, दीपक की और मेरी कहानी आश्रम और चिल्ड्रंस होम की अंधेरी कोठरियों से शुरू हुई। हम दोनों ही अनाथ थे, लेकिन एक दूसरे को पाकर हमने दुनिया पा ली थी। हम हनीमून मनाने इस शहर में आए और एक दिन उस होटल में गए जहां अविनाश गाया करता था। अरे किसी को खून नहीं किया? अरे कमाल, आप क्या बकवास करते हैं? मैंने किसी को खून नहीं किया? अरे आपको कमाल कर रहे हो, मैंने किसी को खून नहीं किया? ये खूनी नहीं है, माला अभी बोला खूनी अभी नहीं है। दीपक के बेगुनाही का गवाह एक ही आदमी था, अविनाश, लेकिन वो भी ना जाने कहां गायब हो गया। दीपक को उम्र कैद की सजा हो गई। फिर एक दिन राजन भैया ने बताया कि अविनाश वापस आ गया है। राजन तुम्हारे भाई हैं? नहीं, पुलिस में काम करते हैं, उन्हें दीपक का सारा केस मालूम है। उनका कहना है कि अगर अविनाश की याददाश्त वापस आ जाए और वो कोर्ट में गवाही दे दे तो मेरे पति को छोड़ दिया जाएगा। राजन भैया के कहने पर मैंने ये सारा नाटक किया। आई एम सॉरी अलका, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब तुम बताओ क्या करें ताकि तुम्हें अविनाश, मुझे दीपक और पुलिस को उनकी फिल्म मिल जाए। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। हाँ, लेकिन एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। क्या? अविनाश के साथ जो कुछ हुआ
वो सुमित के जन्मदिन पर हुआ। अगर हम वही सीन दोबारा दोहराएं, उसी तरह जैसे उस दिन हुआ था, तो शायद दिमाग के सोए हुए हिस्से में कुछ लहरें पैदा हों और अविनाश की आदर्श वापस आ जाए। थैंक यू। हरनाम आया सर। हरनाम भेज दो से। आओ हरनाम, आओ हरनाम उर्फ जफर और आजकल इंस्पेक्टर पैजेंट। ओ, तो तुम्हें सारी खबरें हैं? अरे भाई, तुम हमारे बारे में पूरी खबर रखते हो और हम तुम्हारे बारे में। और फिर हिंदुस्तान में दो ही तो बदमाश हैं जिनका नाम इज्जत से लिया जाता है, प्रताप और हरनाम। थैंक यू। बोलो क्या काम है? मैं अविनाश को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। मैं लंगड़े घोड़े नहीं खरीदता हरनाम। क्या मतलब? मैं जानता हूँ अविनाश अपनी याददाश्त खो चुका है। वो मेरे लिए एक लंगड़ा घोड़ा है जिसे गोली मारने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। कहो तो दो गोलियां पेश करूं, एक उसके लिए और दूसरी तुम्हारे लिए। तो ठीक है, मैं अविनाश को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, लेकिन पुलिस के पास उसकी याददाश्त तो वापस आ गई तो समझदार को इशारा काफी है। ठहरो, कितने में सौदा करोगे? 5 लाख। 50 हजार? 50 हजार तो पुलिस भी दे देगी। चलो 1 लाख। डन। अविनाश कहाँ है? जल्दी करो अलका, हमारे रेडी होने से पहले अगर अविनाश वापस आ गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं, यहाँ तक कि कैंडल्स भी जला दिए हैं। बंद करो ये सब कुछ। प्रैक्टिस हो रही है। तुम रेडी हो? रेडी। रेडी। 1 2 3। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। हाय 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 हाय, तुम लोगों ने तो पकड़ लिया, मैं क्या पकड़ूं? स्टॉप इट, लीव मी। वो आ गया, जल्दी करो। एवरीबॉडी टेक पोजीशन। हरी अप जल्दी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अविनाश, फिल्म दे दो अविनाश, वरना इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरे पास फिल्म नहीं है। नहीं है, खत्म कर दो इनको। मुझे माफ कर दो अविनाश। अविनाश, रुक जाओ अभी। तुम ये सब क्या है? सुपरवाइज जासूस एक्यूरेट सर्विस सर, हमारी हर चीज पास है। ये देखो, हम भागते भी पास है। ये देखो, ये जासूस किस लिए? हम तुम्हारी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे थे अविनाश। मेरी याददाश्त? हाँ, इसलिए आज भी हमने सब कुछ वैसे ही रखा जैसे उस दिन था। उस दिन भी सुमित का जन्मदिन था जब वो गुंडे आए थे और वाह, वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। उस रोज आया था तो भी जन्मदिन, आज फिर जन्मदिन, मगर आज के बाद ये मरण दिन होगा। मुझे उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरी याददाश्त खो चुकी है। आज के बाद तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं। याद कर, याद कर, मुझे खुद याद नहीं है। याद करो, याद करो, मुझे खुद याद नहीं है।
खत्म कर दो इनको। राजन भैया, अविनाश की याददाश्त वापस आ गई। आपके दोस्त को नई जिंदगी मिल गई। दोस्त? कैसा दोस्त? हाँ, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। लेकिन अवि, अविनाश ठीक कह रहा है सपना, ये तो मुझे जानता भी नहीं और ना ही मैं इसका दोस्त। समझदार को इशारा काफी। मैंने सोचा था कि इसके पास जो फिल्म है उसे लेकर प्रताप को बेच दूंगा और 20 लाख रुपए लेकर अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से गुजारूंगा। इसीलिए मैंने तुम सबको इस छत के नीचे बुलाया। स्वाइन, गालियां देने के लिए तो उम्र पड़ी। ये बताओ, वो फिल्म कहाँ है? उस फिल्म के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। वो फिल्म तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। तुम अपने भाई को बहुत प्यार करते हो ना? जब तक वो फिल्म तुम मुझे नहीं दोगे, ये दोनों मेरे पास रहेंगे। ना 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 ना, ऐसी बेवकूफी मत करना। जाओ, वो फिल्म लेकर आओ यहीं पर, और मैं 2 घंटे के बाद यहीं पर फोन करूंगा, समझे? ले चलो। सुमित की जान खतरे में है, तुम इन लोगों की फिल्म इन्हें वापस लौटा दो। भगवान न करे सुमित को कुछ हो गया। ओ सपना, मुझे नहीं मालूम फिल्म कहाँ है, आई स्वेयर। तो फिर क्यों ये लोग कहते हैं कि फिल्म तुम्हारे पास है? अभी याद करो, जरूरी है, फिल्म तुम्हारे पास है, याद करो। मैं क्या याद करूँ, कैसे याद करूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं प्रोग्राम दे रहा था। मैं प्रोग्राम दे रहा था और बाबू, बाबू वहां आया। हाँ सपना, बाबू, 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 यस। हाँ सपना, ड्रम, यस ड्रम, I got it सपना, I got it। सदाजी, ये पुराने डिस्को के इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ हैं? पिछले गोडाउन में। हाँ।
ये तो फिल्म है। ये तो वीडियो फिल्म है, कैसेट के बगैर। राजन को देने से पहले हमें देख लेना चाहिए इसमें क्या है। चलो मेरे घर चल के देखते हैं। सपना, गाड़ी निकालो। आखिर तुम मिल ही गए, इंस्पेक्टर अविनाश। ओह सर, मैं तो आज सवेरे आपके पास आने वाला था। आई एम सॉरी, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम पे गवर्नमेंट का 50 लाख रुपया चोरी करके फरार होने का इल्जाम है। सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरी याददाश्त चली गई थी। कल शाम तक मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ। मगर लॉकर का नंबर याद था, रुपया निकालना याद था, अस्पताल में पड़ा हुआ भाई याद था, मर्डर करना याद था। मुझे बहुत अफसोस है अविनाश, कि तुम जैसा पुलिस ऑफिसर जिसे देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए भेजा गया था, उन्हीं के हाथों बिक जाएगा। सर आप यकीन कीजिए, मैं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जहां से बाहर निकलने का रास्ता मुझे मालूम नहीं था। अभी भी इसी वक्त मेरे भाई के गर्दन पर रिवॉल्वर रखा हुआ है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरे भाई को मार दिया जाएगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन यकीन नहीं आया, क्योंकि तुम अपने भाई को बचाने के बहाने जो फिल्म ले जा रहे हो, पुलिस इन्फॉर्मर ने ली थी। ये फिल्म मुझे वापस कर दो। कम ऑन, इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी। मैं इसे वापस नहीं कर सकता सर, मुझे एक दिन की मोहलत कीजिए। एक मिनट के लिए भी नहीं, फिल्म लाओ। फिल्म लाओ अविनाश। तुम लोग जानते हो कि मैं खाली हाथ भी मार सकता हूँ। अविनाश, यू विल रिपेंट अविनाश। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सर। कम ऑन, रुक जाओ अविनाश। नहीं, फिर भाग गया राम सदा। ये है ऑपरेशन सर्वनाश। उस दिन शुरू होगा जब इस मुल्क के लिए आजादी का दिन होता है, 15 अगस्त, आज से ठीक 3 महीने के बाद। उस दिन यहां से हमारे 2400 आदमी जाएंगे, हर स्टेट के लिए 100 आदमी, जो इस मुल्क के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, डैम्स, ऑयल इंस्टॉलेशंस, बिजली के ट्रांसमिटर टावर्स वगैरह वगैरह सबको एक साथ उड़ाएंगे, एक साथ धमाका करेंगे। उस वक्त जब रेडियो पर नारे बुलंद हो रहे होंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वेरी गुड प्रताप, वेरी गुड। एक ही टाइम में सारा मुल्क खत्म। माय गॉड, अब क्या होगा? वो कैसेट मुझे दे दो अविनाश, और चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम घर जाकर राजन के फोन का इंतजार करो, लेकिन उसे मालूम ना होने पाए कि मैं खुद उसके पास पहुंच रहा हूं। आओ अविनाश, आओ। टेप ले आए, लाओ टेप। देखें तो सही, आखिर वो कौन सा ऐसा राज है जिसे छुपाने के लिए प्रताप इतना बेताब था। मेरे भाई और अलका को छोड़ दो राजन, टेप तुम्हें मिल चुका है। ये टेप भी कितना मनहूस है, जो भी इसे छूता है मारा जाता है। सबसे पहले तुम्हारा वो इन्फॉर्मर बाबू भाई, उसके बाद तुम्हारी माँ, फिर वो डॉक्टर आदम भाई, उसके बाद वो लड़की जिसे मैंने जला दिया था, और आज सुमित, अलका और तुम। एक नाम भूल गए हो राजन, टेप इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। अविनाश,
करने की कोशिश मत करना विनाश। सर बहुत टेप चल रहा है। सर अब मेरी बात सुन। सुनूंगा लेकिन आईजी के सामने। सर वक्त बहुत कम है, मैं वो फिल्म देख चुका हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है हमारे देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की गई है। वेरी गुड, पहले तुम्हारा भाई खतरे में था, अब हमारा देश खतरे में है। वो 50 लाख कहाँ है? सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शट अप। नो, नॉट टुडे। आई विल नॉट गिव माय माउथ शट टुडे। नाउ लिसन टू मी सर, हमारी सारी फैमिली खत्म हो गई, दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, मैं खुद मौत के मुंह से लौट आया हूँ और आप मुझे रोक रहे हैं। नो, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आपकी हथकड़ी भी नहीं, आपकी पुलिस भी नहीं, आप भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? रुक जाओ। Yes. मेरा नाम अविनाश, स्पेशल ऑफिसर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्लियरेंस नंबर X44263ST। मेरी जान। अरे यार जान में जाना ही। पहले ये बता कि तू इतने दिन कहाँ गायब रहा मेरी जान। हमें 3 महीने से स्पेशल ऑर्डर्स थे कि तुम किसी वक्त भी यहाँ पहुंच सकते हो और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो वो तुम्हें दी जाए। लिसन, इस वक्त मुझे एक हेलीकॉप्टर, एक मशीन गन और कुछ हैंड ग्रेनेड्स चाहिए। वॉर शुरू हो रही है क्या? यूं समझ लो कुछ ऐसा है। Come on, let's move. जवान, yes, sir. हम इनके साथ जाओ, मैं हेलीकॉप्टर लेकर भी आता हूँ। या, come on. Come on.
Thank you.